मेरा नाम सूफी यूसुफ सही है, मशिक टीवी के साथ जो है अभी काम कर रही हूँ और एक छोटी सी मौजूदा जो आप कह लें सहाफ़त के दौर की एक छोटी सी जर्नलिस्ट हूँ और एक छोटी सी होस्ट हूँ आप लोगों के सामने है। श्योर, माय नेम इज़ सफीना अली और अगर हम निकनेम की बात करते हैं तो आप जैसे मुझे जानते हैं सूफी यूसुफ सही मेरा नाम है और मुझे स्कूल कॉलेज और इर्द गिर्द के जो दोस्त इसी नाम से जानते हैं। एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग बट इट मेक अ बिग डिफरेंस, वो इसलिए कि हर एक का अपना एटीट्यूड होता है और मेरा जो है मैं हार्ड वर्कर हूँ इसलिए तो ख़ुद को जो है ना मुख्तलिफ ही समझे, हार्ड वर्किंग इंसान को मुख्तलिफ कर देती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब करती थी और वो उनके पास मुख्तलिफ किस्म के कॉस्मेटिक स्टफ़, परफ्यूम्स और सूट, वेडिंग सूट्स वगैरह और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती थी मैं। अगर हम जर्नलिज्म में प्रिविलेजेस की बात करें तो ऐसे ख़ास हमारे लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम वहाँ वहाँ जा सकते हैं एक जर्नलिज्म के कार्ड पे जहाँ पे आम इंसान नहीं जा सकता, जैसे पार्लियामेंट हाउस हो गया, देन इसके अलावा आप देख लें पीएम हाउस हो गया और ऐसे ही मुख्तलिफ जो जगहें हैं हमारी वहाँ पर हम जर्नलिज्म के कार्ड पर जाते हैं। खलाई मखलूक एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इदारा है जिसके सामने हमारे बड़े बड़े की ज़ुबान जो है वो बंद हो जाती है और वो उनको अपने आगे जो है सरेंडर करवा लेते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है ख्वाजा आसिफ साहब और इनका ये जो है सेंटेंस परफेक्ट आता है इमरान खान साहब पे। मीम की अगर हम बात करते हैं तो साई कायम अली शाह के जो मीम्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और वाकई उनको सुन के बड़ी हंसी आती है और इसी तरह अभी मौजूदा जो खान साहब पे चल रहे हैं पीटीआई पे तो वो भी बड़े मज़े की मीम्स हैं, तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। पीटीआई और पीपीपी, आई गेस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो पीपीपी इज़ बेटर। फेवरेट करंट अफेयर शो मुख्तलिफ थे मेरे, जैसे तलत हुसैन साहब का नया पाकिस्तान था, हामिद मीर साहब का था अभी जो बंद हो चुका है जिसको हम कह सकते हैं कैपिटल टॉक, और अभी की जो हम बात करती हूँ तो वो आप बेटर समझे कि मुझे जो अच्छा लगता है आज शाहज़ेब खान साहब के साथ। देखिए लव बेटर है क्योंकि किसी भी कंडीशन में आप जो है ना अपने लव बिलव के साथ जो है सर्वाइव कर सकते हो। देखिए लीक वीडियोस एज अ जर्नलिस्ट अगर बात करूँ तो ये मतलब एक अच्छी चीज़ है, आती है और इसी से हमारा कैरियर भी और आगे खबर भी निकलती है, बट अगर कमरों के अंदर जो पर्सनल आप पे जो अटैक होते हैं, आपकी पर्सनल जो वीडियोस जो हैं वो लीक की जाती हैं और उसके बिहाफ पे आपको ब्लैकमेल किया जाता है तो आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। विंटर, सम टाइम हार्ट सम टाइम ब्रेन। My personality is extrovert, so I like extrovert people. Basically, अगर आपको मैं बताऊँ तो आप समझ लें, एक तो आफ्ताब इकबाल साहब हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन मैं समझती हूँ उनके कंट्रोवर्शियल है उनका थोड़ा सा पख्तूनों के लिहाज से, क्योंकि अभी अगर हम रिसेंट बात करते हैं तो उन्होंने बाचा खान साहब के लिए एक बात की थी कि ऐसी बातें कर जाते हैं जो हिस्ट्री में होती ही नहीं है, हिस्ट्री के ख़िलाफ़ बात होती है या हिस्ट्री पे डिपेंड ही नहीं करती। जैसे उन्होंने कहा था कि बाचा खान साहब जो हैं वो मतलब पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, वो यहाँ के शहरी नहीं थे, हालांकि अगर वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे तो वो किस तरह से पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं उस टाइम की, और उनकी जो फैमिली है वो अभी भी मौजूदा पॉलिटिक्स में एक बात करें तो पुख्तनख्वा में एक बहुत बड़ी जो है ना पॉलिटिकल अपनी वैल्यू रखती है। कमीज शलवार, आई लाइक टी, टी मुर्शद है जी सारे ड्रिंक्स की। प्राइम मिनिस्टर साहब बस कर दे, आपके बस की बात नहीं है, सानू माफ़ कर दे, हुण रहन दो। गुड क्रिकेटर और सोशल वर्कर कह लें एक अच्छे, शौकत खानम उनका, और अभी मौजूदा अगर हम बात करते हैं तो केपी में इनका एक बहुत अच्छा जो है जो उन्होंने काम किया है वो है सेहत कार्ड, जिससे गरीबों को बहुत ज़्यादा सहूलत हो रही है। मरियम नवाज, स्प्रेड लव एंड डू लव विद एवरीवन।